वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जस्ट अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई एम अश्विनी वाघ, आई एम अ फैशन डिजाइनर, आई डू हैव माई ओन बुटीक वेयर आई डू कस्टमाइजेशन फॉर माई क्लाइंट्स। एंड टुडे इज अ वेरी स्पेशल ब्लॉग बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट वन ऑफ माई क्लाइंट। शी इज़ नदर दैन आपकी फेवरेट बिंदास काव्या, काव्या यादव। सो ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग हर बिकॉज फर्स्ट टाइम इट वॉज अ वेरी रैंडम मीटअप, जस्ट अ हाई हेलो थिंग हैपन। तो नाउ टुडे आई एम मीटिंग हर प्रोफेशनली एज अ डिज़ाइनर where she wants to make an outfit from me. Also, she is my first celebrity client. I'm excited and nervous both together. Of course, if you don't know her, this is her channel. She has over 13 million subscribers on YouTube and Instagram pe bhi 1.5 million se above hai. Of course, she's a star and it's my pleasure working with her. तो वॉट आई एम कैरिंग फॉर अ डे लाइक वाइल आई एम गोइंग टू मीट अ क्लाइंट, तो मैं क्या कैरी कर रही हूँ, सो फ्यू ऑफ द डिज़ाइंस, माई नोट पैड, द स्वैच बुक जिसमें फैब्रिक्स एंड कलर्स वगैरह है, तो उसको हेल्प करेगा टू पिक अप बेटर फैब्रिक एंड कलर कि उसका आउटफिट किस कलर में होगा या फिर किस फैब्रिक में होगा। ऑफकोर्स माई टैबलेट जिसमें बाकी डिज़ाइंस हैं एंड सम ऑफ द डिज़ाइंस एंड उनके फैब्रिक्स मैंने जो इसके लिए सिलेक्ट किए हैं एज पर हर बॉडी टाइप एंड एज पर हर कलर शेड्स एंड एवरीथिंग। तो हे आर फ्यू डिज़ाइंस दैट आई पिक्ड फॉर हर एंड या द मेजरमेंट टेप, पेंसिल एंड रबर, सो इट विल हेल्प मी इफ शी हैज़ एनीथिंग इन हर माइंड। तो यस एंड ऑफकोर्स द ट्राईपॉड एंड द मोबाइल फोन। तो या दिस इज़ व्हाट आई एम कैरिंग, लेट्स गो, लेट्स मीट हर। एंड आई नो शी इज़ अ वेरी हम्बल एंड अ काइंड हार्टेड पर्सन बट स्टिल I am nervous because I'm meeting her professionally today, so I have to be very prompt and very proactive about everything that she will say. I have to be very conscious about her details that I can use in the outfit. So yeah, let's go. I will vlog the video and let you guys know about it. और जैसा कि मैंने कहा था कि ये फर्स्ट टाइम नहीं था मैं उससे मिल रही हूँ, द फर्स्ट टाइम आई मेट हर इट वाज इन अ ट्रेन। तो वो आगरा जा रही थी अपने मॉम डैड के साथ फॉर सम वर्क, फॉर सम अवार्ड फंक्शन, और मैं दिल्ली जा रही थी। एंड दैट्स व्हेन वी शेयर्ड आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड तभी मैंने उसको अपने स्टोर के बारे में बताया था, दैट हाउ आई मेक डिजाइन आउटफिट। तो उसने कहा था डेफिनेटली जब भी मुझे कोई आउटफिट की जरूरत होगी तो आई विल कॉन्टैक्ट यू, एंड उसके मॉम का नंबर था शायद वो, सो आई वॉज मीनवाइल इन अ कॉन्टैक्ट विथ हर। तो दैट्स हाउ जब उसे जरूरत पड़ी तो दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड। ठीक है, सो फर्स्ट में किसी का डिजाइनर डिजाइनर बन रही है तो हमारे बेसिकली सभी में वेस्टर्न बन रही है, तो मुझे एक ड्रेस का मिला होगा ताकि रिगार्डिंग हमारा मिल जाए। दोस्तों डोंट नो, उसके घर का थोड़ा काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है, और क्योंकि मैं माइक नहीं लेके गई थी एंड आल्सो आई वांट टू कीप इट रॉ टू लेट यू नो कि हमारा क्या एग्जैक्टली डिस्कशन हुआ था आउटफिट के बारे में, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड या फिर म्यूट नहीं कर रही हूँ। सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट स्विच इट टू 1.5x एंड वॉच द होल सिनेरियो। ओके, जस्ट टू क्लेरिफाई, हम लोग यहाँ पे मराठी में बात कर रहे थे, हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी हमने मराठी में बात की, तो आई केप्ट इट रियल। तो मराठी में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि जो आउटफिट्स मैंने उसके लिए बनाया या फिर जो फैब्रिक्स या फिर जो सिल्वर्स मैंने उसके लिए चूज़ किया था वो सब मैं उसको दिखा रही थी यहाँ पे। अल्सो देर वॉज अ आउटफिट जो उसकी मॉम ने भेजा था, इट वॉज अ ट्रेडिशनल आउटफिट, उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ आउटफिट चाहिए काव्या के लिए, तो वो भी मैंने उसको बताया दैट इट वुड लुक लाइक दिस एंड ये वाला फैब्रिक आपके मॉम ने बोला था, बट शी सेड कि मुझे वेस्टर्न में भी चाहिए प्लस ट्रेडिशनल भी चाहिए क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है। शी शोड मी सम रेफरेंसेस अबाउट वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल बोथ, एंड उसने कहा था कि ट्रेडिशनल का फैब्रिक हम बाद में डिसाइड करते हैं बट वेस्टर्न के लिए तो हम इस फैब्रिक के साथ ही जाते हैं, ये वाला आउटफिट हम पहले बनाते हैं। फॉर मेकिंग एंड कस्टम आउटफिट काव्या का मेन कंसर्न था कि उसको जो भी आउटफिट्स वो पहनती है वो अच्छे से फिटिंग में नहीं आते, उसको कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन या फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उसे कुछ ऐसे आउटफिट्स बनवाने थे जो उसको परफेक्टली बॉडी फिट आए। तो मैंने उसके परफेक्ट मेजरमेंट्स ले लिए ताकि उसको फिटिंग में कोई भी इशू नहीं आए, और काव्या के मेजरमेंट्स काफ़ी स्मॉल हैं, तो उसकी ड्राफ्टिंग मैं कैसे करूँगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। एक कॉल करायला पाहिजे होता, नंबर मी पण काही असेल तर पाठवते, मी कॉल करते
हाय गाइज़, वेलकम बैक, इट्स अनदर डे। तो आज जो है मैं कवैक का जो आउटफिट है उसकी ड्राफ्टिंग में बनाने वाली हूँ। तो आउटफिट का जो फैब्रिक है वो तो उसने यही सिलेक्ट किया है, वो तो उसने ऑलरेडी मुझे फ़ोन पे बोल दिया था, बट द पैटर्न इज़ गोना बी दिस, समथिंग लाइक दिस। जो फाइनल पैटर्न हुआ है वो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। सो दिस इज़ गोना बी द आउटफिट, ये ऐसा कुछ बनने वाला है और आज मैं इसकी पूरी ड्राफ्टिंग करने वाली हूँ। द लाइनिंग आई एम यूजिंग इज़ अ लाइक्रा लाइनिंग एंड क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो काफ़ी स्ट्रेचेबल है तो हम लोग बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रखने वाली है। तो इट्स गोना बी अ लाइक्रा लाइनिंग प्लस द फैब्रिक इज़ ऑल्सो स्ट्रेचेबल, तो हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट रखने वाले हैं। प्लस काव्य के मेजरमेंट्स काफ़ी एक्स्ट्रा स्मॉल है ऑलरेडी। सो लेट्स डू इट, आई शो यू हाउ आई एम डूइंग द ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग के लिए मैं इसको पहले पेपर पर ड्राफ्ट करूँगी और इसके सारे ड्राफ्टिंग पैटर्न्स एंड मेजरमेंट्स मैंने स्क्रीन पर मेंशन किए हैं। अब इस आउटफिट में रचिंग पैटर्न का यूज़ होने वाला है वेस्ट से लेके हिप लाइन तक, तो क्योंकि उसमें अनइवन स्टिचेस आने वाले हैं तो वी कांट प्रिडिक्ट कि उसका हाइट कितना होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले ड्राफ्टिंग ही करनी पड़ेगी। एंड इस आउटफिट के लिए हम लोग अंदर से यूज़ कर रहे हैं लाइक्रा फ्यूजिंग का फैब्रिक, तो ये जो फैब्रिक है ये काफ़ी डायनामिक होता है तो हम इस पर डायरेक्टली ड्राफ्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें पहले पेपर पर ड्राफ्ट करना होता है। पेपर ड्राफ्टिंग हो गया, अब मैं फैब्रिक को ड्राफ्टिंग कर रही हूँ ऑन डमी, तो उससे मुझे समझ जाएगा कि मेरा एग्जैक्ट कंजम्पशन कितना होगा फैब्रिक का, हाइट मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब इतने सारे प्लीट्स आ जाएंगे तो मेरा कितना आउटफिट ऊपर तक जाएगा और मेरी जो एग्जैक्ट हाइट है आउटफिट के वो मुझे एग्जैक्ट मिलेगी या नहीं। तो ये सब करने के बाद मैंने जो पेपर ड्राफ्टिंग है उसको रख दिया अपने फैब्रिक पे और फैब्रिक कट कर लिया। अब मैं अपने कटिंग फैब्रिक को वापस से ड्राफ्टिंग कर रही हूँ टू सी कि एग्जैक्ट हाइट आया है या नहीं और कंप्लीट लुक कैसा। नाउ कमिंग टू द स्टिचिंग पार्ट, जो शोल्डर के बेल्ट है उससे मैंने एडजस्टेबल रखा है ताकि कुछ भी अगर एडजस्टमेंट करना हो तो शी कैन डू इट बाय हरसेल्फ। एंड इस आउटफिट की स्टिचिंग में मुझे पूरा दिन लग गया क्योंकि फैब्रिक काफ़ी स्ट्रिच था तो मशीन पे इसको बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ता है। ओके गाइस, सो अ क्विक अपडेट, एक्चुअली इट वॉज डिसाइडेड कि हम कल मिलने वाले थे, मैं कावा के घर पर कल जाने वाली थी फॉर ट्रायल्स एंड फिटिंग्स एंड उसको एक और आउटफिट के बारे में बात करनी थी, बट शी जस्ट टेक्स्टेड मी एंड सेड कि उसको शायद कल कहीं अक्कलकोट जाना है तो आई हैव टू गो लाइक टुडे, आई एम नॉट वेल ड्रेस्ड लुकिंग लाइक अ मेस बट स्टिल आई हैव टू गो टुडे एंड मीट हर एंड लेट्स चेक फॉर द फिटिंग्स एंड एवरीथिंग एंड हाउ इट गोज आई विल लेट यू नो। हाउ डू यू लाइक इट काव्या? यस, बहुत प्यार है, बहुत मस्त ड्रेस बनाया आपने। थैंक यू, दैट वॉज द बेस्ट फीडबैक आई कुड एवर हैव। बट इस आउटफिट में कुछ चेंजेस भी बोले उसके मॉम ने या उसने, वो मैं आपको पार्ट टू में बताती हूँ। और सेकंड आउटफिट जो उसने कहा है ट्रेडिशनल वाला, वो पूरा आउटफिट हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट देन डू इट नाउ एंड लाइक दिस वीडियो ताकि आपको सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन मिले। हाय गाइस, सो लेट मी जस्ट क्विकली एंड दिस वीडियो हियर। सो द होल एक्सपीरियंस वाज गुड, आई वेंट टू हर हाउस, जस्ट गेव हर द आउटफिट एंड शी वाज लाइक पैकिंग और समथिंग, शी वाज इन अ रश सो आई कुडंट शूट द होल पार्ट, बट या शी वाज गोइंग टू अक्कलकोट टुमारो, तो ये थोड़ा सा रश अप मीटिंग हो गया, बट शी लाइक द आउटफिट, शी वॉन्ट अनादर आउटफिट इन इंडियन वेयर नाउ। वेन शी विल कम बैक शी विल पिंग मी एंड सो आई विल शूट द अनादर पार्ट एंड जो सेकेंड वाला आउटफिट है वो मैं अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसे बनाया एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फॉर हर वॉज गुड, आई मीन लाइक शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, मुझे नहीं लगा कि वो एकदम ऐसे लाइक शी डिडंट लेट मी फील कि वो एकदम ऐसे कोई बड़ी सेलिब्रिटी है या कुछ। ओवरऑल इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हर। So let me know how do you like the whole outfit in the comment section, and if you haven't subscribed to my channel yet then please subscribe to this channel and like this video if you do like Kavya. So yeah, thank you, bye bye. आउटफिट आपको कैसे लगा ये कमेंट करके बताना। नीचे मेरी फैशन डिजाइनर आई हुई है, अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो मैं ना बहुत सारे आउटफिट डिजाइन कराने वाली हूँ। सो अभी दो तीन आउटफिट तो मैंने डिजाइन कराए हैं, वो मैं आप सबको दिखाती हूँ कैसे डिजाइन हूँ। लेट्स गो। हाय, शी इज ऐश्वर्या, सो आपने आउटफिट डिजाइन किया मेरे लिए, एक बार दिखाना हम लोग ओपन करके। बोथ योर आउटफिट्स आर रेडी एंड उसके साथ हमारे क्रंचेस। थैंक यू सो मच।